प्रणाम करो पहले, प्रणाम करो, प्रणाम करो बाबू, प्रणाम सबको। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए। और ये देखो बाबू क्या हो रहा है, अभी एक पार्सल आया, अभी हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है, बाबू को सबसे ज्यादा मजा आता है कोई भी चीज आती है उसको देखने में। हाँ देखिए कैसे कर रहे हैं। हाँ खोल दे, अच्छा खोल दे रहे हैं। ओ ये गया, ये गया, ये गया। हाँ ये देखो क्या मंगाया है भैया, भैया ने मंगाया है क्या? अरे वाह, अरे वाह, ये हमने कांच के जार मंगाए हैं, अब खोलने के बाद पता चलेगा इनका साइज कैसा है। हाँ ये बहुत छोटा साइज है क्या ये? नहीं, जैसा सोचा था वैसा ही है। अच्छा है, क्यूट है ना? लिड है और ये अच्छा कांच है, मतलब पतला वाला कांच नहीं है ये, ये अच्छा ग्लास इसका अच्छा लग रहा है। कांच के बॉटल या जो भी कंटेनर होते हैं उनको संभालना बहुत पड़ता है, लेकिन उसमें जो रखा हुआ सामान होता है ना बहुत पसंद आता है। हर दिवाली में कांच का सामान जरूर। और ये अमेजोन से लिया है जो सेल चल रही है। हाँ ये सब आ गया भैया, ठीक चलिए अब इनको साफ करके इनमें सामान भर के फिर दिखाते हैं। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं चलते हैं, दे 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 दे, ए ए है। इसका चल रहा है कोको मिलन, इसमें हमने रख दिया है काली मिर्च, हल्का सा गीला किया है इस कपड़े को, साफ किया है, इसको धो देना चाहिए था, लेकिन सामान रखने की जल्दी है हमें थोड़ा। अच्छा लग रहा है ना, बहुत क्यूट है ये डब्बा। ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं के लिए, छोटा डब्बा है लेकिन फिर भी दो पैकेट है। आगे इसमें अच्छे से ओ ओ ओ नो 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 नो, ये खा लो पिस्ता है।
बच्चा है, लेकिन ये सील पैक वाला है उसका चेक। अभी जो सामान दिख रहा है सब भर दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके सारे प्लास्टिक के जो डब्बे हैं उनको हटा देंगे और ये रखेंगे। ये रोस्टेड ब्लैक सीड जिसको तीसी या अलसी भी बोलते हैं वो है, बाबू खिलाते हैं। ये खाओ, इनको जीरा अजवाइन जो खिला दो सब उनको अच्छा लगता है। अच्छा है भैया, ब्लैक सीड अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें रहेगा तो दिखेगा और जब मन होगा हम तो खा सकते हैं, ऐसे डिब्बे में रहता है तो पता ही नहीं चलता। ये पूरा भर गया। बाबू वहाँ पर खेल रहा है तो यहाँ पे हम बनाने आ गए हैं चाय। इधर हमने 6 दिन का चैलेंज लिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग का और बहुत सारी चीज़ें करने का, उसमें से कुछ चीज़ें हो पा रही हैं कुछ नहीं, जिसमें से ये चाय भी। हमने सोचा था कि चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ लेमन टी ऐसा कुछ ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता ही नहीं, चाय छूट ही नहीं रही है। लेकिन कम किया है, जहाँ 3 से 4 बार पीते थे वहाँ 2 बार पर आकर अभी रुके हुए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन टारगेट सेट करने से चीज़ें हो तो रही हैं, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से फॉलो नहीं करें लेकिन कर तो रहे हैं। क्या खा रहा है बता दो सबको, क्या खा रहे हो भैया? हाँ बता दो, कह दो अखरोट खा रहा हूँ मैं। हाँ दिखा दो चुप, बता दो आ सबको बता दो। हाँ ये रोने लगे, तुम यहाँ आके बैठ गए, इनके डैडी चाय लेके आएंगे अब। भैया नींद नहीं हुई है इनकी, सोए नहीं है ढंग से, क्या हुआ भैया को? प्यार के बिना लगता है जीवन में कोई सुखी नहीं है। मस्त आनंद आ रहा है। अविराज जो है वो बकैया चलने लगे हैं, ये देखिए। अब तक इनको चल देना चाहिए था लेकिन हम लोग इनको नीचे छोड़ते ही नहीं थे तो चलने बकैया नहीं कर पाते थे, अभी ये कर रहे हैं अच्छे से। बाबू कहा, किसको ढूंढ रहा है? डैडी को। अभी आएंगे डैडी, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। हम लोग आ गए थोड़ा सा घर से बाहर, चलेंगे देखेंगे बाहर क्या हो रहा है। हाँ बाबू के लिए कुछ चीजें खरीदेंगे बाहर जाके, क्या चाहिए बाबू को? बाबू और डैडी मैचिंग मैचिंग। हाँ चलो चलो सबको बाहर कर दो, बाहर कर दो सबको, और जहाँ भी हम लोग घूमेंगे वो हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो लोग हमें नहीं जानते हैं फिर भी हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।